सब्सक्राइब टू न्यूटेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल, बेल आइकन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। अजोला एक अद्भुत पौधा। अजोला पानी में पनपने वाला छोटे बारीक पौधे की जाति है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहा जाता है। अजोला जैव उर्वरक का स्रोत है। ज्यादातर अजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाया जाता है। अजोला की पंखड़ियों में एनाबिना नामक नील हरित शैवाल सहजैविक के रूप में विद्यमान होता है, जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नत्रजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नत्रजन की पूर्ति करता है। अजोला की विशेषता यह है कि यह अनुकूल वातावरण में 5 दिनों में ही 2 गुना हो जाता है। जैविक खेती का जो दीप किसानों ने जलाया है, वो आने वाले समय में विकास के नए रास्ते खोलेगा। अजोला धान की फसल में एक उपयोगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है। अजोला के प्रयोग से धान की उपज में प्रति हेक्टेयर 1 से 2 टन की वृद्धि होती है। अजोला में 25 से 35% प्रोटीन, 10 से 15% खनिज एवं 7 से 10% अमाइनो एसिड, बायोएक्टिव पदार्थ तथा बायोपॉलीमर होते हैं। विटामिन ए, विटामिन B12 तथा बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये गाय, भैंस, मुर्गे, भेड़, बकरियों के लिए एक आदर्श चारा है। अजोला किसी अन्य चारे से ज़्यादा पौष्टिक भी है। इससे गाय के दूध में 15% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ साथ इसे खाने वाली गायों के दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। ये मुर्गी पालन करने वाले व्यवसायियों के लिए भी बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहा है। अजोला बनाने की विधि। पानी के पोखर या ट्रे में अजोला कल्चर बनाया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी छायादार स्थान पर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस गड्ढे को प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं। जहां तक संभव हो पराबैंगनी किरण रोधी प्लास्टिक शीट का प्रयोग करना चाहिए। गड्ढे में 10 से 15 किलो छनी मिट्टी फैला दी जाती है। 10 लीटर पानी में मिश्रित 2 किलो गोबर एवं 30 ग्राम सुपर फॉस्फेट से बना घोल शीट पर डाला जाता है। अजोला क्यारी में मिट्टी तथा पानी को हल्के से हिलाने के बाद लगभग 0.5 से 1 किलो शुद्ध मात्र अजोला कल्चर बीज सामग्री पानी पर एक समान फैला दी जाती है। संचारण के तुरंत बाद अजोला के पौधों को सीधे करने के लिए अजोला पर ताज़ा पानी छिड़क देना चाहिए। अजोला बहुत तेजी से बढ़ता है और 10 से 15 दिन के अंदर पूरे गड्ढे को ढक लेता है। इसके बाद से 1000 से 1500 ग्राम अजोला प्रतिदिन छलनी या बांस की टोकरी से पानी के ऊपर से बाहर निकाला जा सकता है। अजोला की तेज वृद्धि तथा 50 ग्राम दैनिक पैदावार के लिए 5 दिनों में एक बार 20 ग्राम सुपरफॉस्फेट तथा लगभग 1 किलो गाय का गोबर मिलाया जाना चाहिए। साफ पानी से धो लेने के बाद 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला नियमित आहार के साथ पशुओं को खिलाया जा सकता है। अजोला की खेती के दौरान नोट किए जाने वाले बिंदु। इसे एक जाली में धोना उपयोगी होगा, क्योंकि इससे छोटे छोटे पौधे बाहर निकल पाएंगे जो वापस तालाब में डाले जा सकते हैं। तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बनाए रखने पर ध्यान रखना चाहिए। अजोला तैयार करने की टंकी में पानी के पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य होना उत्तम रहता है। प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए छाव करने की जाली का उपयोग किया जा सकता है। अजोला बायोमास अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होने से बचने के लिए उसे प्रतिदिन हटाया जाना चाहिए। अजोला सस्ता, सुपाच्य एवं पौष्टिक पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं के दूध में अधिक पाई जाती है। अजोला पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी होता है। अजोला से पशुओं में कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहे की आवश्यकता पूर्ति होती है, जिससे पशुओं का शारीरिक विकास अच्छा होता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, मुर्गियों आदि के लिए एक आदर्श चारा सिद्ध हो रहा है। अजोला की उत्पादन लागत प्रति किलोग्राम 1 रुपये से भी कम आती है, इसलिए यह किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। और यही कारण है कि दक्षिण से शुरू हुआ अजोला की खेती का कारवां
अब भारत के विभिन्न प्रांतों तक जा पहुंचा है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही खेती योग्य जमीन और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण पशुओं के लिए हरे चारे के संकट से जूझ रहे किसानों व डेयरी मालिकों के लिए अजोला किसी वरदान से कम नहीं है।